हेलो फ्रेंड, आई एम एस पी नाइटी आपका स्वागत करते हैं। आज हम खास पॉइंट में जो है कि फाइनेंस की तैयारी कैसे करें, फाइनेंस की तैयारी करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पांच पॉइंट मेरे पास हैं कि पहला पॉइंट है कि मैं दो तरीका बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा तरीका है, दो तरीका है जिसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, बुक्स कौन सी बेहतर हैं जिसको हमें, इन बुकों को हमारे पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम बताने वाले हैं कि प्रैक्टिकल की सही तरीका क्या है, मतलब प्रैक्टिकल का अभ्यास करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, और साथ ही साथ सही आदत क्या होनी चाहिए, एक सही हैबिट कैसे हम बिल्ड करें, और ये सही आदत नहीं हो पा रही है तो हम कैसे अपने आप को मैनेज करें। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम आज जानने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, सबसे पहले पॉइंट है कि यदि जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो पहली बात है वहाँ ये चीज़ का तय कर लो कि किस टाइप का जो है ओल्ड पेपर्स को देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, और वो किस टाइप के जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनके टॉपिक को जो है आप जो है चार्ट पर नोट आउट कर लो, अपने घर पर लगा लो, और घर का वातावरण भी वैसा रखो ताकि जो है कि बार बार आपको उस टॉपिक पर नज़र जावे। और जैसे जैसे आपके टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, टॉपिक्स को वीडियो के माध्यम से कवर करना है, जो आप वीडियो देखते रहते हो यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर आपको सही जेन्युइन वीडियो देखकर आप उनको टॉपिक को क्लियर करना है, उनको टिक आउट लगाना है, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि बुक्स आप ले लो, जो बुक्स में हम पाँच बुक्स में हैं, पहला बुक्स है आप कला सैद्धांतिक बुक ले सकते हो, भारतीय कला का इतिहास है, आधुनिक कला का इतिहास है, और भारतीय मूर्तिकला का इतिहास है, और साथ ही साथ एक आकृति बुक है जो किरण प्रदीप द्वारा निर्मित है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीन बुकें हैं जिसको आप जो है टेक्निकल वर्क के लिए है, जिसमें रंगों के बारे में मैं कह सकता हूँ टेक्निकल जो विषय वस्तु यूज करते हो, जो आप पेंटिंग के लिए यूज करते हो, इनके बारे में आपको विस्तार से नॉलेज मिल जाती है इस आकृति बुक में, तो आप इसको कर सकते हो। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जो बुक्स आपने लिए हो तो आप जो पॉइंट्स लिख रखा है आपने उस बुक्स को आपको उनसे सर्च करना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि इन सब बुकों से आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हो या फिर आप यहाँ से देख रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपना खुद का नोट बनाना अनिवार्य है, अपने से अपने भाषा में नोट्स बनाइए, इंग्लिश में हिंदी में अपने से बनाइए नोट्स, क्योंकि वो नोट्स आपका खुद का होगा, जब भी कुछ पॉइंट्स अच्छे होंगे आप उसको नोट आउट कर लेंगे, इससे आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी। तो नोट्स इज मस्ट इम्पॉर्टेंट है, चार्ट इज मस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आप प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क इज मस्ट। प्रैक्टिकल में क्या है, पहला है कि हमारा जो है यदि स्टील लाइफ की बात करते हो, स्टील लाइफ में आपकी जो है ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, जिस विषय वस्तु को बना रहे हो, स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में मोबाइल्स में जो है आप स्टील लाइफ वर्क को देख वर्क कर सकते हो, जूम करके देख सकते हो कि कहाँ हाईलाइट है कहाँ डार्क लाइट है, उससे कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चीज विषय वस्तु को रख कर बनाओ उसके लिए आपको सही कागज़ में कॉटेज शीट्स एंड जो आर्ट लाइन की जो पेंसिल होती है उसको आप यूज कर आप विषय वस्तु को, उसमें दो पॉइंट होता है कि ड्राइंग बढ़िया होनी चाहिए और स्टिल लाइफ जो है आपका जो शेडिंग है उसका जो है बेस्ट होना चाहिए, तो वो आप यूट्यूब से वीडियो को देखकर आप उसको मैनेज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, और डे बाई डे अपने वर्क को जो है कंपेयर करो कि कितना सुधार हो रहा है, कहाँ कहाँ मैं ऑब्जर्व नहीं करूँ, वहाँ पर ध्यान देना, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बुक्स भी आती है, यदि आपने कंपोजिशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपोजिशन में सबसे मेस्ट तरीका है कि आप या तो गूगल से जो है जो ह्यूमन फिगर्स उनको देकर आप ड्रॉ अभ्यास कर सकते हो, या फिर बुक्स में जो है रूप प्रतिरूप बुक्स आती है, वाराणसी में जो है ये सुनील विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित बुक्स हैं, तो कंपोजिशन को आप सेल्फ जो है आप देखकर अभ्यास कर सकते हो, स्टार्टिंग में कर सकते हो। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को बैठाकर ह्यूमन उसका स्केच ड्रॉ करो, और ये डेली करो, क्योंकि डेली इम्प्रूवमेंट करना, जितना अभ्यास करोगे उतनी जल्दी आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, ये श्योरली है। अब हम बात करते हैं आपकी आदत की बात करते हैं। देखो मित्रों, आप यूज मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसको सही वे में यूज करें, सबसे पहला पॉइंट है कि सही वीडियो देखें, वीडियो मींस मतलब वही वीडियो देखें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उन वीडियो को देखें, क्योंकि कभी कभी होता है हमारा ध्यान भ्रमित होता है तो उनसे आपको बचना है मित्रों, आपको सही वीडियो देख कर ही आपको अपना करना है। और सही ऐप्स का भी रखें, क्योंकि जेन्युइन रखें ताकि आपका ध्यान हमेशा रहे, क्योंकि टाइम आपका बचे, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में अपना नोट्स रेडी रखें। और मैं अब बात करूं कि आपका सही पॉइंट मैं कहूं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आप सेल्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज बॉडी फिटनेस की तैयारी नहीं कर रहे हो, बॉडी की आप जो है
एक्सरसाइज नहीं करो, इससे क्या होता है कि आपका ध्यान जो है आपके स्टडी पर नहीं पहुँच पाता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज मीन्स चाहे आप प्ले करके करो, चाहे आप योगा करके करो, चाहे आप जिम्स करके करो, जैसे भी आपने आपको फिट रख सकते हो, हिट रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। और सही भोजन का जो हो जरूरी है, क्योंकि सही भोजन भी हम आपके फिट रखेंगे, स्वास्थ्य को सही रखेंगे। तो सही भोजन मत मीन्स आप हरी सब्जियों की बात करें या पानी की बात करें, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अहंकार की बात करें, अहंकार बहुत लोगों में आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने आर्ट वर्क को एक बार रम जाते हैं तो उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है, और उस आदत में वो इतनी लीन हो जाते हैं कि नया काम करना ही नहीं चाहते। तो पहली बात है उससे बचिए, और कभी अपने आर्ट को उतना, क्योंकि देखो अहंकार अपने नॉलेज को ब्लॉक करता है, आप वहीं रुक जाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो सबसे पहली बात है अपने अंदर से अहंकार छू मंतर कर दो, क्योंकि अहंकार जो है आपकी नॉलेज को बंद कर रहा है। मित्रों हमेशा अपने नॉलेज का आदान प्रदान करो, क्योंकि नॉलेज का आदान प्रदान करने से हमारी माइंड कैपेसिटी ओरिजिनल होती है और अच्छी होती है। तो ये बहुत पावरफुल है बात कह रहा हूँ। और मैं साथ में कह सकता हूँ कि अपना जो भी, देखो फ्रेंड सर्कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे फ्रेंड सर्कल को अपने कनेक्ट में रखो, जो आर्ट से स्टूडेंट उनको कनेक्ट में रखो, ताकि आप सही नॉलेज और जेन्युइन नॉलेज ले सको, ठीक है। और साथ ही साथ यदि मान लो कि इन सब चीज़ों के बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कुछ दिन आदत बना रहे हो लेकिन आदत नहीं छूट पा रही है, तो सबसे पहला पॉइंट्स आ जाता है कि आप जो है टीचर के अंडर में हो जाइए, या ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर के अंडर में हो जाइए, ताकि आपको रेगुलर जो है आपका अभ्यास होते रहे, रेगुलर आप जो है आपके सही तरीके से थ्योरी की तैयारी होते रहे, क्योंकि वही एक आपको बता सकता है, वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, ताकि आप जो है सही वे में अपना जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें वो आप सही क्रैक कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको हमेशा अपने आपको माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने अंदर जो है जिज्ञासा रखना पड़ेगा, हमेशा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। क्वेश्चंस मींस हमेशा जिज्ञासु रहोगे, जितनी ज़्यादा जिज्ञासा रहेगी आपके अंदर उतनी जल्दी आप नॉलेज गेन करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आशा करता हूँ कि इन सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत खास रहेंगे। और मित्रों आगे बढ़ने के लिए ये सब बातों का ध्यान रखकर ही आगे बढ़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, ये महत्वपूर्ण जानकारी सब तक जानी चाहिए, ये अच्छी बात है। यदि आप तक ही रह गई तो ये सही नहीं है, तो आप मित्रों को जरूर शेयर करें, और अच्छा लगता है प्रोत्साहित करना है तो लाइक करें, और नई नई वीडियो के बारे में यदि आपको और जिज्ञासा है और नई पॉइंट्स के बारे में आपको कन्फ्यूजन है तो क्लियर करना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि हम नए वीडियो बना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।